अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वनिता सर्वंत्र जामे सर्व कल्याण पद महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगन्नाथ देव देव बल देव देवी माता सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन जी प्रातः स्मरण चिर वंदन्य नित्य अर्चन्य परम करुणिक शिष्य आराध्य जुगावतार भवग्राही करुणा सिंधु करुणार वारिधि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट आराध्य ठाकुर शिष्य केशव चंद्रकर पाद पद्म तले ए दास अनंत कोटि बार दंडवत निवेदन करे परम करुणिक शिष्य गुरुदेव बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी कर श्री चरण तले अनंत कोटि बार दंडवत निवेदन करे श्री राम कथारे सहायता कृतवा तथा गोस्वामी संत तुलसीदास महाराज श्री रामचरित मानस ग्रंथ को आमको पारायण विधि श्रवण करुवा परिण व्यास महाराज जी भारत मंडली आचार्य देवता एवं भगवान का सेवारे नियोजित होता समस्त ब्राह्मण वैष्णव वृंद सुधी सज्जन भक्तजन वृंद समस्त सभक्ति सीताराम समस्त जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम निवेदन जनाऊँ आज श्री रामचरित मानस कथार ये पवित्र संध्या रे आने उपस्थित अच्छे भगवान श्री रघुनाथ कथार श्रद्धा को अवगन करने भगवान श्री रघुनाथ दिव्य कथा को श्रवण कर आहरी ईश्वराभिमुख होगापाई भगवत कथ को अनुसरण करने आम आदृढ़ हूचे साधु शब्द टी संत शब्द टी हूँ एक एमती शब्द से पुण्य साधु संग मिले अति बड़ी श्री जगन्नाथ भागवत कलम कर जे वास्तव रे आमको साधु संग केते बळे मिले आमी केते बळे साधु संग करे से पुण्य साधु संग मिले पुण्य तीर्थ को आसे करे गोविंद पुण्य तीर्थ को आसे करे से पुण्य साधु संग मिले पुण्य तीर्थ को आश्रय कले साधु जे मलय पवन काष्ठ को करती चंदन तो ये निश्चित भाव भगवान एक बड़ कृपा कहले अत्युक्ति हम ना आम गत काली किसी साधु मान आशीर्वाद शुणा सहित साधु संग कर कारण मनुष्य देह मिली मानी गोस्वामी कहले आकर लाख चार लक्ष चौराशी जो निभ्रमत यह जीव अविनाश अर्थ आम चौराशी लक्ष जनी बुले बुले जो मनुष्य देव को भगवान कृपा करके मनुष्य देव मिले केवल भजन करने स्तुति स्तव प्रार्थना करने केवल ये मनुष्य देह मिले अथवा कौन से कारण आमको मनुष्य देह मिले केवल गोटे कारण सृष्ट पुराण विविधान्य जयात्म सत्या वृक्षा सरी श्रीपंखदंग समस्या तई तई अतुष्ट हृदय पुरुषम विधा ब्रह्माव लोकम भीषण मृदमाप देह केवल भगवान करुणार करुणालय भक्तवांछ कल्पतरु जिते बड़े बहुत जीव जगत मान को सृष्टि कले से तथापि भगवान मन में शांति आसपारे कहीं आसपारे कारण मुसीना मो हाथ में एतिक जीव मान समस्त को सृष्टि कली कितु कौन से जीव मो शरणापन्न हेले ना कौन से जीव भी मोरी भजन कले ना मोर कीर्तन मोरी श्रवण कले ना जहाँ फल कि श्रेष्ठ स्तर को जाए ना तथापि भगवान मन शांति आसला ना जहाँ कि तई तई अतुष्ट हृदय पुरुष विधा ब्रह्मावलोक भीषण मुदमाप देह परिशेष मनुष्य देह को भगवान मिले केवल भगवत भक्ति करने प्रश्न उठे जदि मनुष्य देह भगवत भक्ति करने मिली तेज़े भक्ति मिले केमी जो भक्ति करने आमको मनुष्य देह प्रदानित करगवान तेज़े भक्ति मिले केमी भक्ति स्तु अन्य लभ्य संगेन परिजायते अर्थ भक्ति को लाभ कर उपाय हूँ गोटे कौन ना भक्ति स्तु अन्य लभ्य साधु संग
भगवान को पाई परिवा नहीं, ईश्वर उपलब्धि करि परिवा नहीं, भगवत उपलब्धि करि परिवा नहीं। तो एकांत साधु संग और सत्संग आवश्यक अछि। ए कलि युग रे नित्यांत सत्संग रे ही आवश्यक, आ गोटे साधु संग रे ही एकांत आवश्यक। सेमिति गत काले आपण मानको से साधु माने आसिकरी बहुत आशीर्वाद बहुत कृपा को वितरण करिकरी जाइथिले। आज आमरी भाग्य रे अछि लोकंठेश्वर मंदिर को आसिन लोकंठेश्वर को दर्शन करिवा, पार्श्वस्थ देवादेवी मानको दर्शन करिवा, तथा आपण मानको से मां बागवादिनी को कृपारु किछि कथा सुनिवा। एहा तांकर इच्छा, वर्षा हला तांकर इच्छारु, कथा सुनिले तांकर इच्छारु, जा होछि तांकर इच्छा रु। तो सेति पई आपण माने समस्त देखंतु जा होछि सब तांकर इच्छा रु होछि। मुकं करोति वाचालं पंगुलंग यते गिरिम यत्कृपात तमह वंदे परमानंद माधव। अर्थ भगवान इच्छा कले सब किछि करि परन्ति, केवल तांकर भक्ति करि से भक्ति बिना साधु संग रे मिलिबो नाही। गत काले सिना साधु माने समस्त उपस्थित थिले, आज मध्य पंच परे किछि साधु संत माने उपस्थित अछन्ति। तांकर पाद पद्मरे व्यासपुत्र अनंत कोटि बार धन्यवाद निवेदन रहउछि। सेमाने मध्य आम निकट आज उपस्थित रही आमको कृपा करुणा को वितरण करुछन्ति। कारण संत हृदय नवनीत समान गस्वी कहले जो गोटे संतर हृदय हूँ लोहड़ी पी कोम गोटे संत के अंधकार दुख को देखी पार ना। से साधु संत यही संग करने द्वारा आम भगवान आहुरी निकटतर निकटतम हो पार, केवल यही मैंने ही तार उपादान। तो से साधु सन्त मान मानक निकट उपस्थित अच्छा आम जो कथा को शुणा ता ठीक से साधु सन्त मान परंपरा क्रम रू आसी। ये कथा बर्तमान शुणा यह साधु सन्त गुरु परंपरा क्रम आम मान निकट को आसी अच्छे श्री रामचरित मानस ग्रंथ। कारण जदि आम तात्विक दृष्टि श्री रामचरित मानस को एक पुष्करणी एक सरोवर दृष्टि नवा, जदि आम गोटे पुष्करणी कि सरोवर को स्नान करने दिया ताहले गोटे गोटे पुष्करणी सरोवर रे तुठ सब थाए। सेमती ए पुष्करणी को जीवार चार प्रकार तुठ अच्छे, चार तुठ कौन कौन ना गोटे कर्म आ गोटे भक्ति आ गोटे ज्ञान आ गोटे वैराग्य। तो ये रामचरित मानस रूप मानस सरोवर रे चार प्रकार तुठ आदि आम गोटे नदी को जीवा गोटे पुष्करणी को जीवा सरोवर को जीवा तार किसी पहाच को आमको अतिक्रम कर सरोवर में आम समस्त वर्तमान स्नान करने आसचे ना। ये सरोवर में सात गोटी पावच्छ अच्छे कौन कौन ना आम जो सतटी कांड को देखुचे श्री रामचरित मानस आद्य कांड बाल्यकांड कथा शुणा बाल्यकांड पर अयोध्या कांड अयोध्या कांड पर अरण्य कांड अरण्य कांड पर किष्किंधा कांड किष्किंधा कांड पर सुंदर कांड सुंदर कांड पर लंका कांड लंका कांड पर उत्तर कांड उत्तराकांड ये समुदे सातटी कांड अर्थ ये मानस रूप सरोवर को जदि आम स्नान करवा आमको सातटी पावच अतिक्रम करने पड़ो। ये हूँ श्री रामचरित मानस आहाँ को रचना कले गोस्वामी संत तुलसीदास। प्रथम जानवा कथा जो गोस्वामी संत तुलसीदास कहीं रामचरित मानस ग्रंथ को रचना कले, कारण ग्रंथ छोटिया ग्रंथ नुह किए अच्छे कहे रामचरित मानस बही टी आने की आश्वासन थे रामचरित मानस बही ये कौन साधारण बही ये साधारण बही नुह ये स्वयं जो ग्रंथ रूप में जनार्दन अर्थ ये साक्षात राम अच्छा। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी जो रामचरित मानस ग्रंथ को रचना कले कौ कारण कौन पर रामचरित मानस ग्रंथ को रचना कले तार आवश्यकता कौन पड़ा। कारण थे तुलसीदास महाराज जी बाजार को जाते सौदा आने सौदा आने बाजार को गला बेलू घरे आसिक पाली पहुंचे स्त्री जीवे घर को निज घर को जी कहीं ना जेहेतु तो बापा को देह भीषण असुस्थ से जी पानी प्रस्तुत
तुलसीदासंकर जे थिले बहु आ ताकर पत्नी पत्नी बहु को पचारी करी गली बहु मध्य आशीर्वाद करले बहु कहले जा बोलले बोलले आ बोलले बोलले पोलार पण बोलले बोलले फिरिया जा आशीर्वाद करले तो बोलले बोलले बाहरले पाली करे जाई करी पहुंची गले घरे निजकर बापा को देखिले ए समय किछ दिन मध्य और वही बाहला तुलसीदास के तब पत्नी को छाड़ी गोटे मुहूर्त विषय रही पारो नथले शेषरे सी मध्य नदी की पारि पहरी पड़ जाए शाशु घर पहुंच मान शशुर घर पहुंच पहुंची पत्नी ना था रत्ना रत्ना को जाकि देखा कले रत्ना इस समय बहुत लज्जित कले बहुत कटु कथा कले अरे तमें गोटे स्वामी आहरी तमें जो मो तो समय बिताऊ मत भल पाच मत भल पाइबा अपेक्षा तुम जब राम को से भल पाइबा दे था रघुनाथ को सेको भल पाइबा दे था तुम्हें केते उच्च स्तर को जाइ था तुम केते ऊर्धपक्ष विचार कर कि आहरी तुम ऊर्धपक्ष पार ना आम अर्धपतन घटे ना कहीं राम को स्वरण को जाओ आ भगवान रघुनाथ ये समय गोस्वामी तुलसीदास महाराज सांसारिक महामाय को त्याग कले ईश्वर कृपा वर्षा हला जहाँ की कर्म बंधन और संसार बंधन को त्याग कर गोस्वामी सन्त तुलसीदास महाराज जाए पहुँचले गोटे जंगल से गोस्वामी ध्यान कले से जंगल में प्रत्येक दिन स्नान कर सर से जो पा लेकर जाए गूल से गोटे प्रेत टे रही जो तो गोस्वामी तुलसीदास महान सन्थ आ सन्थ पात्र पा पड़ा ये धीरे धीरे प्रेत जन्म मुक्त हवार लगला थोड़े गोस्वामी पास कहला जे महाराज महाराज देखने किए गोटे महाराज महाराज कौन ना महाराज मुझे प्रेत ना प्रेत को प्रेत आप ना मुझे गोटे प्रेत ये अच्छी निवास कर वृक्ष मो बसा ये हूँ मो घर ना कहीं अच्छा ना सी तो अलग कारण मुझे कारण कही पारे ना कि प्रेत जन्म धीरे धीरे मुक्त हवार लगे केवल आपण जो आप प्रत्येक दिन से धीरे धीरे मुक्त हवार लगे आ कौन मागे मागत गोस्वामी कहले मोर कि आवश्यक ना मोटर जय ही आवश्यक किए सी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम ही आवश्यक प्रेत कहला जदि मत राम मिल जा मुक्त ही सारे आ मुक्ति राम को सेवा करते वैकुंठ कितु राम को सीना मुझे ना कि राम को उपलब्धि कर मार्ग राम को पाइबार मार्ग टी तुमको बतई से बतातु ना तुम गोटे काम कर गुरु ग्रहण कर ना केमी गुरु ग्रहण करी ना ये निकट राम कथा हूँ राम कथा रे जड़े संथ पृष्ठरोगी हिसाब से विराजमान कर बस आई कथा को शुणुचे तुम निकट को जाओ और कृपा करुणा को लाभ कर आम रघुनाथ को निश्चय प्राप्त कर जहाँ जाचिले से कृष्ठरोगी पाखे कृष्ठरोगी पाखे पहुंचे बारंबार देखिले आरे एम बस पुणी कथा शुणिकर भगवान प्रति बारंबार आशीर्वाद हो नेत्र नीरज हो देखे गोस्वामी धीरे धीरे प्रति अनुप्राणित आजे स्तुति स्तव कर प्रार्थना कर जहाँ कि ये कृष्ठरोगी जी थे ये मत बारंबार देखुंत अरे ये कौन सब मो पाठ बस मत खाली देखु प्रवचन शुणे ना खाली मत देखु कारण कौन थे गोस्वामी तुलसीदास पाखे आंठ मारिक हाथ जोड़ी बस कहला आज्ञा आपण प्रकृत रूप टे दर्शन करातु सांगे सांगे से कृष्ठरोगी ठेली एते जोर ठेली जो बड़े तुलसीदास कहला अच्छा गोटे कृष्ठरोगी रोगी जन सी ताकि शक्ति आसला कि गोस्वामी आश्चर्य कहले ना ये साधारण मनुष्य नहीं पाखे कि दिव्यत्व अच्छी आपण रूप को आप दर्शन करातु सी किए बोल श्री हनुमंत लाल महाराज की सी हूँ श्री हनुमंत लाल महाराज
जेते बड़े श्री हनुमंत लाल महाराजी को ए दिव्य सुंदर मूर्ति को से दर्शन कले गोस्वामी मांगिले पर किछि आवश्यक नै तले कोन आवश्यक ना मोर केवल राम आवश्यक रे एति के बुझि परनो तो मन निकुट को प्रत्येक दिन में भगवान श्री राम आछु ना केमिति ना आज परीक्षा करके देखो तमे जेते बड़े तिलक करूछ त भाबु त बुधिए अलग श्रेणी रिच पिला माने तम निकट को आसी तुमको तिलक मागुचंदी ना ना सी आउ केहि नुहंती से तो दुई जना आसी तम निकट रे तिलक मागुचंदी से साधारण मनुष्य नुहंत से कि ना राम आउ जने लक्ष्मण तले मते कोन करिया पे पड़िबो हनुमान कहले मु गोटे सुवा रूप को धारण करबे आ तमे जोड़ी तिलक करिवो से पाखरे गोटे वृक्षटी अछि सेठी सुवा रूप पर विराजमान करबे आ जा फल रे कि जिते बड़े राम लक्ष्मण से तुम निकट पहुंच जीवे जहर राम राम को गीत गायबार लगे तुम से आलिंगन कर दुई भावर बुले तिलक कर तिलक कला बेल को राम लक्ष्मण आ तिलक मागुचंती शुआटे संगे संगे गीत गायबार लगी तुलसीदास कौन कले दुई बापुर रघुनाथ को आलिंगन कर पकेले रघुनाथ को उपलब्धि कले श्रीआवर रामचंद्र भगवान की जिते बड़े राम अच्छा तो प्राप्ति कले भगवान राम कहले तुम आज गुरु कृपा मत दर्शन करी गुरुचरण सरोजर जमीज मन मुकुरुष दारी अति सुंदर भाव गोस्वामी आगे गुरु को पाद पद्म को वंदना करी सी आज भगवान रघुनाथ को दर्शन कर सौभाग्य लाभ कर गुरु कृपा बिना भगवान को दर्शन करवा असंभव गुरु कृपा बिना के भगवान को दर्शन करि परिवा एक कथा मध्य गोस्वामी तुलसीदास कहते बंद गुरु पद पदुम परागा श्री राम जय राम जय जय राम सुरुचि सुभाष ससुर परागा सुरुचि सुपास सुरस अनुरागा मु जनक पाद पद्म को वंदना करू छी सिखिए ना बंदो गुरु पद से गुरु को पाद पद्म को वंदना करू छी श्री गुरु चरण सर जरज आम पाखे गुरु को पाद पद्म को वंदना करिवार शक्ति नाही कितु गुरु को पाद पद्म से धूली को रज को वंदना करिवार आम निकट रे शक्ति अछि कारण गुरु ये को एमिति तत्व ये तत्व को जानिबा बहुत कष्ट ये तत्व को बुझीबा बहुत कष्ट ये तत्व को बुझी गुरु को निकट को अग्रसर हवा बहुत कष्ट से कम सहज कथा नुह बहुत कष्ट आ गुरु को कृपा हेले जाय तमे रघुनाथ को दर्शन करी पारिबो जय राम को दर्शन करी पारिबो हनुमंत लाल महाराज कर आदेश रे गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरित मानस ग्रंथ को रचना करिवार लागे जो रामचरित मानस रे सात प्रकार पावच्छ आ चार प्रकार तुठ एवं ई रामचरित मानस प्रस्तुत हेचंती यार सब बड़ बताउ चंती कि ना शंकर भगवान आ सब बड़ श्रोता माँ भगवती कृपामयी बुद्धि शुद्धि रुद्धि प्रदायिनी दुर्गे दुर्गति नाशिनी भय हरा मात जगत जननी कनक गिरिरा जनंदिनी कारी कराणी कपाणी रत्नमय शक्तिमय अपार करुणामय मंदर वासिनी गौर निवासिनी कंकार भेदिनी कुकुल नासिनी माँ जगदम्बे माँ जगत जननी माँ पार्वती यार सब बड़ श्रोता कारण विश्वर सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता किए ना शंकर आ सर्वश्रेष्ठ श्रोता माँ पार्वती वैष्णव नाम यथा शंभु जितक वैष्णव मान आम समस्त अच्छा ये भारतीय संस्कृति कारण जो जो भारत संस्कृति आम जन्म नहींचे जी छर्शन मध्य अन्यतम सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल मुनि गोटे शास्त्र जाना हूँ कपिल संहिता संहिता से शास्त्र में कहगला वर्षाना भारत श्रेष्ठ देशाना उत्कल सत उत्कल से समदेश देश नास्ती महित वर्ष मान भितर भारत वर्ष हूँ श्रेष्ठ कारण थे आम आम गुरुदेव सहित बाहर नेपाल यात्रा करने जाए पशुपतिनाथ निकट को गलु आम से जगन्नाथ कथा गुरुदेव कले
ଏବଂ କିଛି ସାଧୁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାଇକି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଆମର ସେଠି କଥା ହେଇଥିଲା କଥା ସରିଲା ପରେ ଥାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ଉଭୟ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ ପୁଣି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏ ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନାଛା କେଶବ ତୁ ଥିଲୁ ବିଦେଶରେ ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଗଲୁ ନେପାଳକୁ ଗଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନା ତତେ ନେପାଳ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ବସିଛୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ନିଶ୍ଚିତ ତ ଫରକ କିଛି ଅଛି ନା ହଁ ଫରକ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଦେବ ଗାଇଲେ ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ମମତା ମୟି ମାଟି ଏଇ ଦେଶ ଏଇ ମାଟି ମମତା ମୟି ମାଟି ଏଇ ଦେଶ ଆଉ ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଇ ଦେଶରେ ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛେ ଏ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ମିଳିବନି ଆଉ ଭାରତ ଭଳି ମାଟି ମିଳିବନି ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏମିତି ଏକ ଉପାସନାର ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଠି ସକଳ ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ସଦାଶିବ ସମାରମ୍ଭ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଅସ୍ମାକ ଚାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ପରମ ପରା ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବସିଥିଲେ ଭଗବାନ କି ସଦାଶିବ ସମାରମ୍ଭ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟମା ଅସ୍ମାକ ଚାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ସକଳ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଦେଶ ଆଉ ପୁଣି ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ସକଳ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣ ଚବିଶ ଅବତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦଶ ଅବତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଚବିଶ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଗଟ ହେଲେ ସେ ଦଶ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଗଟ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏ ପୁଣ୍ୟତୟା ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଆମେ କାହିଁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ଆମେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଏଠି ତ ସୁନାର ନଗରୀ ନା ଲଙ୍କା ସୁନାର ନଗରୀ ଆମେ ସୁନାର ନଗର ରହିଯିବା କାହିଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଏ ସମୟରେ ରାମ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଜାଣନ୍ତି ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱପି ଗରିବସି ଆମ ଜନନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଗୋଟିଏ ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଟି ବା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ତ ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛେ ଏ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଉପାସନାର ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏଇ କଥା ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଆଉ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର କଥାରୁ ଆସିଅଛି ପୁଣି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଆସିଅଛି କାରଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିବଳୀ ସଙ୍ଗମ ହୁଏ ତ୍ରିବଳୀ ସଙ୍ଗମ ହୁଏ ମୁଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସକଳ ମୁନିଋଷି ମାନେ ଆସି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଥରେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷି ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନିଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜଣେ ଋଷି ସିଏ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଭରଦ୍ୱାଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ଭରଦ୍ୱାଜ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭରଦ୍ୱାଜ ମାନେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଯଦି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷି କିଛି ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଟିକେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଏ କଥାକୁ ମନରେ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଗତରେ ଏକ କଥାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଋଷିକୁ ବ୍ୟାସନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କଲେ ଇଏ ଶ୍ରୋତା ହେଇକିରି ତଳେ ପଚାରିଲେ ଇଏ ଶ୍ରୋତା ହେଇକିରି ତଳେ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବକ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କାହାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଜଣେ ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହାତିଆଖେଡ଼ା ମଠର ମହନ୍ତ ପୁରୀର ସେ କହିବେ ବାବା ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ
महाराज समस्त साधु संत मानकर मुखार बंदर सुनिबा तले आगुरी हम ज्ञान परिपक्वता लाभ करियो आ जे कहियो मु तो सब जानि छी आ कोन रामकर तुमार टोटल पर मु मुहरे मु मुखस्त मोर पूरा मुखस्त पते जे जूट मजारे मु कह दियो मोर असुविधा किछि नाही सेई तो सेई कथा आ कोन आज हम सुन सिओ पर गति आ पुणे आसंता काल सुनिबा राम प्रकट पुणे सुनिबा सीता विवाह राम सीता को विवाह पुणे वनवास प्रसंग सुनिबा ई तो सेई कथा कोन अलगा कथा किछि गोटे होन दाकि नाही अलगा कथा किछि गोटे होन दाकि हो बताते मु सुन सुन तो सही कथा को सही कथा को सही कथा को सही कथा कौन सही हुआ सी जाए कौन जाने मु तो सब जान छे ना जान छे राम वनवास गले जान छे राम सीता को विवाह हले मु जान छे प्रथम दिन सुवा शिव पार्वती विवाह हुए जान छे कौन नै बसी बसी सुनु जे कोई मु जान छे से किछि जाने कारण श्रीमद भगवती गीता दृष्टिकोण रो आमर चारि प्रकार भक्ति अछन्ते आर्ति अर्थात कि जिज्ञासु आ उठि ज्ञानी जे ज्ञानी सब बळे पढ़ी खाली कह सब जानी ज्ञानी मोटू पंडित मोटू ज्ञानी के जगत रे ना गीतार कह गला अहंकार विमुड़ात्मा करता हम त्रिपण्यते जे कहे मु करछि से किछि करु से किछि मध्य जाने जाग्य बोलक ऋषि केते ज्ञानी थिले कितु से मध्य व्यासासन रे बसी राम कथा आरंभ करते तो भरद्वाज मन प्रश्न कले जाग्य बोलक को कौन प्रश्न कले अति सुंदर भावर गोस्वामी तुलसीदास महाराज कलम करते सोपिरा महिमा पुनिराया सोपिरा महिमा पुनिराया सोपिरा मुनि सोपिरा महिमा शिव मध्य राम नाम गाउचंती मते अपन गोटी उत्तर दियंतु राम कोन प्रभु पूछै तोही कहियो बुझाई कृपा निति मोही म अपन को एतरी पचारु छी से राम किए मते उत्तर टिके प्रदान करू त बड़ जटिल प्रश्न राम किए कोन साधारण मनुष्य कहि परिबो राम किए मुकिश वर्णिबे तर गुण प्रभु गुणातीत अट तुही संतकर भाव को अपन लक्ष्य करंतु राम की जो प्रश्न की कही परबो राम कर महिमा मतलब संतक थरे कलम कोन कलम कले मुकिश बन्नी भी तोरा गुण प्रभु गुणातीत तुही तो मुकिष बन्ने तोर गुण प्रभु गुणातीत अटुतुहि भाव समुद्र रे बुड़ाई दे रे गुणग्राही भाव ग्राही आबा कोन कह राम की राम कोया को की कहि परबो केई भी कहि परबो नाही मुनि कहउछन सब सकल मुनि माने कहउछन एक राम अवधेश कुमारा
तिन्न परचरी विदित संसारा जोड़िए राम हेले अयोध्या नरेश दशरथ कुमार या समस्त जानते द्वितीय आउ जोड़िए राम जी की स्त्री बिले हरे तक स्त्री बिले हरे पत्नी बिले हरे रावण को दिव्य गति को प्रदान करते ये जने राम पूरी प्रभु सही राम की अपरा को गई जपत त्रिपुरारी सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहू विवेक पचारी कहू विवेक पचारी कहू विवेक पचारी बोल रामचंद्र भगवान की ये जड़िए राम ना आउ जो शंकर भगवान जी की शिव शिव बारंबार जो राम नाम जपुन से जन राम राम किए राम कीर्तन ये समय जाग्य बोले को कहते जे तात सुनो सादर मनु लाई कहो राम कई कथा सुहाई मुनि माने समझते आपण जो माने ठे उपस्थित अछते मु कहूची आपण माने राम पर कथा को मन देकर सुनंतु श्री राम पर कथा को मन देकर सुनंतु एमन गोटी गोटी स्थान अछि जण जण मां के बापा बसतिबे से एमिति मुह करकर बसतिबे लगे जमी से पूरा प्रवचन को पूरा बाटिक पूरा पी जाऊ किंतु देहटा थी एटी मन जाकि थी बम्बे दिल्ली मद्रास देह थी एटी मन जाकि थी आम घरे आम कौन कथा को जापर कथा मैं कौन बुझीपर कि अच्छा कथार चुपचाप बसिक अलग कथा पर कथा घर कथा संसार कथा गाँ कथा आलोचना करती जमीती रात बड़ुआ अंचल जीवे देखिथे कि बेंग मानने लुचिकी कटर कटर शब्द करती बसिक बेंग भाया कटर कटर शब्द करती परवर्त जन्म से बेंग जन्म आ जो मान बेंग हवा को इच्छा आम कि कह जो मान मनुष्य हवा को इच्छा से मैंने बसिक राम कथा को श्रवण कर जो मान मनुष्य हवा को इच्छा से मैंने बस कि भगवान श्री राम दिव्य कथा को श्रवण कर तो जाके मन को कौन कह मन देखिए शुण मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भगवान निकट में समर्पण कर दिए काय मन पक्ष भगवान को सुधिस्तव कर प्रार्थना कर और कथा को श्रवण कर सदार सहित आलोचना कर कौन ना मु गोटे कथा कह एक परात्रे ताजुग माहे श्री राम जय जय राम जो भाई भोजन तंटी पड़ जाए उपस्थित नहांती देह असुस्थ थी आज आम समस्त मिसिकम चल आम कहू आप नाम सियाराम सियाराम कह सी सी हरिबोल देवे सी हुड़ी देवे सी दरकार पड़े हुड़ी देखिए प्रवचन देवे सब सी कर किसी करेंगे समस्त मिसिक सीना कम करवा कर समस्त मिसिक देह भीतर असुस्थ आम समस्त मिसिक से कम टे एक परात्रे ताजुग माहे शंभु गाए कुंभ जरुषि पाहे एक परात्रे ताजुग माहे शंभु गाए कुंभ जरुषि पाहे एक
बार त्रेताग माही संप गहे को बदर से पाई एक बार त्रेताग रे शंकर भगवान जे ज्ञान रे समुद्र आ जे के अंतरिक्ष ज्ञान रे अधिकारी माने जहां खोई तो इसे से ज्ञान को कोन जेमिति जन जन संत जन जे माने एक बार जन जन प्रवक्ता थे कोड़ी कोड़ी जीवे तने हम कहबे कोन कोन गीत दिगे सब दिया दिगे हा गया रिहर्सल दिए कर दियंते ना प्रवचन हरि कथा कह दिव रिहर्सल करिया रिहर्सल कर के दिबा ना ता ही परियो चित भाई आम से दो भाई हरन बजांते जो भाई हम से तो हरन बजांते भारी भारी कोन दुख करिव भरी पर नहीं कोन भात रुचुनी सुना मन देखि धरंत के सुनंत हम को करिव तो जाने पडा पर सब नुवा नुवा गीत सब नुवा नुवा काम आपण करले हां गोटी काम आपण पूरा सब नुवा दे के या से के या से आया एपर के आपण मंगल चरण भी सब नुवा नुवा करते हां सेईटा भी आपण सब गोटी जगह कह एटा मोर पूरा चाहि रहिला एटा सब करिवा सेटा भी आपण अलग अलग करते तने तो मोर के मते हैरान पड़ जे कहले 2 वर्ष रा से रहिले 2 वर्ष तथा से कहिबे रात्रे गले तब तुम सरीव जीवि शंकर भगवान ज्ञान समुद्र आर सतने ब्रह्मानंद सरस्वती माइक धरिया मान चल माइक धरिया मान छाड़ी से समुद्र पाखे ज्ञान समुद्र किए सी शंकर जाऊंत कुंभज कहले अगस्त्य मुनि निकट को अगस्त्य मुनि निकट बस कारण समुद्र बड़ ही पारे समुद्र विशाल ही पारे किंतु पानी उपयुक्त खजुरी गच बहुत बड़ गच्छे कि गले छाई खरारे आसवे बहुत बड़ गच समुद्र प्रबल जल थे शसलागिरी त्रुषलागिरी पानी पी पार ज्ञान समुद्र किंतु जो पर्यंत साधु संत मान मुखर मंदिर भगवान कथा शुणी ना से पर्यंत से कथा मान से ज्ञान परिपक्व आसव ना से ज्ञान परिपक्व आसपाई शंकर भगवान जाए अगस्त्य मुनि निकट पहुंची भगवान श्री राम दिव्य कथा श्रवण कले अगस्त्य मुनि सुंदर भाव में राम कथा कहले राम कथा सुनिले ईश्वर सत्य भाविले बोले मो सने एक ठाकुर ना संघार करता से आउ के ठाकुर नोंती एका मोर स्वामी ठाकुर हां जदि राम ठाकुर होइतांते इदांते से तक पत्नी को बिह रे कांदु चंती केमिति अड़ संभव अरे भगवान माने से तो अंतर्जन हवा कथा सबत को अंतर कथा को जानिबा दरकार ई तंग पत्नी को बिह रे कांदु चंती ये के ठाकुर ना ये ठाकुर न समय शंकर भगवान सब जानपारे नाचा हो सी तुम के सत्य बारंबार कहते प्रभु ना आपण से इष्ट नुहति आपड़ केवल देवता आउ किए देवता आखिर देवता नुहत हाँ जन जन अच्छा केवल मो गुरु केवल गुरु आउ का गुरु गुरु मो गुरु बड़ तो गुरु स्थान तो गुरु बड़ मो गुरु स्थान मो इष्ट बड़ तो इष्ट स्थान जे भगवान गुरु पवित्र जे बड़ स्थान बाछंती राम बड़ कृष्ण सन कृष्ण बड़ राम सन जी बड़ बड़ सन जी विचार कर वास्तव में भगवान असल स्वरूप को जाने न था सेमती सत्य कौन मो स्वामी भगवान आउ किए भगवान डोलते ये समय सत्य कहे जदि आप कौन भगवान तेज परीक्षा करने जी शंकर कहले भल दशा जदि अच्छे परीक्षा करने जाओ ना ना तो जीवी मानते अलगत जीवी सत्य कहले को रूप धरी गले सीता रूप धरिकी गले गला बल को राम ठियाई पहुंचले राम को प्रणति नवेदन जन
राम कौन कहे सीता कहे ना सीतार पद धरिक आईला सती सीता कहे तु तो राम कौन कहे अच्छा माँ को सान्य चुंता को पत्नी को से माँ कहे ना तुम डाक ना कहीं माँ कहे माँ कहे कर लो किंतु शंकर भगवान शिव सत्य शिव सुंदर ही संसार करण चरण रक्षण सर्व संकट नाशन सुख शांति प्रेम दाता सबुरी अंतर गामी विश्व पिता माता सुख शांति प्रेम दाता सबुरी सत्य शिव सुंदर हे संसार कारण शिव हेले सुंदर शंकर हेले सुंदर से शंकर भगवान ताले शंकर भगवान को कथा न माने जाय सती सीता रूप धरि के परीक्षा करिया पे जाउ छथि राम कहला अच्छा मां आपन तो आसी आसीले दुष्ट के शिव पड़े वाले कोन कहले आपन तो आसीले आसीले दुष्ट तो शिव पड़े वाले सती सीता रूप धरि के जाय छथि सत्य आउले बोध राम मत पाई खुशी दादे जाओ बस तो फेरी आसने के तू ये कोने मेरी कथा कर दू ना तू बड़ भूल कर ली बड़ भूल कर ली आसी के एठी परीक्षा कली भगवान राम को नहीं है वास्तव रे भगवान नाम या कोई फेरी जाऊ जाते गोला बोल को राम आउले डाक पके देले मां मां संगे संगे पछु कोने पछु कला लोग कोन देखु जों बा बैकुनाथ कलम कोन को जंती ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि चरणी नित्य प्रति कोई बोल भक्त भगवान की ब्रह्मा रुद्र इंद्र मरुत देवता माने भगवान को स्तुति कर ठाकुर जे सर्व रहस्य पुरुषोत्तम देवान जानती कुतह मनुष्य जो रहस्यम महाप्रभु को देवता मैंने जान पार ना कुत मनुष्य मनुष्य कौन जान मनुष्य कौन तार बुझे कि बुझीपर ना कि जापर तो सती यह देख कह ना राम वास्तव में भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान पाखे पहुंचले शंकर कहले कौन परीक्षा कल कौन देख ल परीक्षा मु तो जानी मो स्वामी तो सत कथ कह परीक्षा कर शंकर भगवान ध्यान स्थित कौन मो पत्नी परीक्षा कर देखिए ध्यान स्थित जान लें सती धरिकी जा शंकर भगवान कहले मो पत्नी मो माँ को रूप धरिकी गले माने मो तो मो पत्नी रूप ग्रहण कर सी हूं मो माँ कर्प धरिकी जा मो माँ कर्प धरिक गली नाम हेल्ला मो बापा और सीता हेल्ले मो मो माँ कर्प धरिकी से गले सी मो पत्नी नुहे से कि ना सी मो माँ आगे पत्नी भाव से ग्रहण कले आते पत्नी भाव ग्रहण कले ना आकाश शून्यवाणी होगा तुम्हें जहा कर ठीक कर तुम जहाँ करती भल कम कर ठीक कम कर तुम उपर आम सदय आकाश शून्यवाणी होगा शंकर भगवान ये समय शंकर भगवान ध्यानस्थ हो गले माँ सती चिंता कले मत कौन प्रभु पत्नी मान पत्नी रूप ग्रहण कले ना कौन माँ सत्य चिंत मान चिंतार पड़गले आहुत दिन पर शंकर भगवान ध्यान भंग होते बहुत दिन पर शंकर भगवान ध्यान भंग समय परस्पर परस्पर भलसे कथ कितु
शंकर भगवान आउ सत्य को पत्नी रूप रे ग्रहण करे से होचंती मोर मां जो तुमा सीता रूप धरि कि से लागि राम को परीक्षा करचंती से मो पत्नी रूप तुम मां हटात दक्ष गोटे विशाल यज्ञ रा आयोजन करचंती दिने मां सती देखुचंती आकाश मार्ग रे केते सब देवता माने तको जान रे सब जाउचंती किंतु शंकर भगवान को छाड़ी देने सब देवता पहुंचे मो पिता कहते मुझे जीवन माँ सती देखि शंकर भगवान को निकट कहले शंकर भगवान मना कर दे शंकर भगवान मना कर दे नाम कहते जीवा आमर किसी जीवा आवश्यक ना कारण माँ सती जन पतिव्रत नारी मध्य थी माँ सती जन पतिव्रत नारी मध्य थी माँ पार्वती मध्य जन पतिव्रत नारी थी मान समस्त जन जन पतिव्रत नारी पति जहाँ कह स्वामी जहाँ कह आईब कारण थरी माँ पार्वती माँ मेनका कहले सब देवता को देखुची समस्त गोटे गोटे घर अच्छे तू जब बाहर की तार के तो घर धर के चाहिए मसाला भीतर रोज पांच सौ ओले तार के घर धर के नाई ये सब टीके गला माँ कहले झील खरा भाई को मजार कर कम देखी खरा भाई को मजार कम सतरे कम थी कम देखी मजार कम थी कह देखी मजार कहूली माँ को भारी बाधला कारण स्वामी को जी कह को माँ मान अच्छा कहले आप स्वामी को जन कथा कह पति को जन कथा कह आप सही सही पारे ना कहीं पति ठारे पर तो पत्नी माने माँ सती जन एत प्रतिबद्ध नारी थी जी तक स्वामी को भी सही पारे कि तथा माँ को इच्छा ना यज्ञ को जीवा पा ये समय शंकर कहले हो कि अनुसर मान को पठो तुम जाओ माँ गले माँ जा देखुं तुम कितने स्नेह कर जड़े माँ जो माँ सती जी थी माँ गोटे माँ भाव ना मैंने माँ माँ जहाले मा 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 भोया के परिवो मा भोया के परिवे ना बो भोया के परिवो बो भोया के परिवे मम्मी भोया के परिवो ता भोया मध्य के परिवे मम्मा भोया के परिवो ता भोया मध्य के परिवे ना मा हुच मुटे एमिति शब्द आप देखु आज जी सन्थ मैंने सब दर्शन करुचे अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रचना कले क्या सरला दास महाभारत रचना कले क्या कालिदास मेघदूत कुमार संभव नैषद भाई काव्य को रचना कले क्या बलदेव बलथ कवि सूर्य उपाधि पाइले क्या छाड़ देला किसी रास्ता ना जड़े सन्थ अच्छा जहाँ गाँ स्वर्ग प्रभवपुर चंपक द्वादशी पालन होने जा पहुंची पारे चंपक द्वादशी स्वर्ग ब्रह्मपुर गाँ से मटे से जन्म होती प्रेम आचार्य मधु कहले मीठा सुदन कहले जे बद्ध करते अर्थ जी आम अहंकार हिंसा ईर्षा प्रतिकातरता या बद्ध करती सी हूं मधुसूदन प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन सी गोटे सुंदर कथा कहले गारे बाईया मन मान मो
जगत रे दुईटी नाम हूँ महान गोटे राम नाम गोटे भगवान नाम आ गोटे ना कौन ना मा नाम तो मा नाम जो माधुर्य अच्छे मम नाम से माधुर्य आस आजिकल का पिला मान डाक मा को मम मम तो गोटे खाद्य ना तुम्हें मा को खाद्य से तुलना कर थे गोटे पिलाटे पचार अच्छा तू मा को कौन डाक मा को मम्मी डाक अच्छा बापा को ना बापा को दोस्त डाक बापा को कौन डाक दोस्त डाक तो बापा को दोस्त बने चलू नहीं बापा तो दोस्त बापा को सी दोस्त डाक ताहले पिला को दोस दिले कि हम दोस दवा क्या ना बापा मा बापा मा से पुत्र को बा कन्या को संस्कारित कर पिला मैं संस्कारित हो ना पिला माने संस्कारित हो ना आ बापा मा संस्कारित कले निश्चित भाव से जाए भगवान पाखे समर्पित है केते बड़ बड़ मठ रे केते केते छोट छोट वयस पिला माने सही सेवा करथिन केते बड़ बड़ मठ रे पुरी रे एमि सब मठ अछि छोट छोट पिला माने रही सेवा करिवे सेट रहिबे सेट पड़िबे सेट सेवा करिवे तले माने केते कम वयस रे केते बाल्य वयस रे से भगवान को समर्पित जीवन यापन करछ एठिया पर माने कोन सम्मुख गो छोटिया पिला टे बसछन्त तिलक करछन्त आपन देखछन्त गोडिया वैष्णव जे तिलक करन्ति से सेमि तिलक करके बसछन्त ताले उड़े छोटिया पिला ये भाव का पाखर आसो उड़े पिला को तिलक करके नेके आगर आज का लेका युग रे ए समय रे गोटे पिला को तिलक करके नेके बसेबा गोटे पिला को तिलक करके बसिबार भावटा केते जन को पाखर आसो आसीबो नि किंतु ताको बापा मा हुचंत बापा मा ताको ही ए पत्र आंतिबारो ए पथरे आने एक आध्यात्मिक पथर आने भगवान को निकट समर्पण कर आगे बस सुंदर भाव कथा शुण सी जाक शुणी आम मन पड़े आउ थोड़े देखी थी कौटी ना भुवनेश्वर गोटे राधाकृष्ण मंदिर थोड़े आम गोटे कथा से बस कि शुणु थे नौ नंबर हो गए कथा आम देख जानपाल ना ना ये तो सही तो जन शुणी कथ चल रही नाचवा आप देखने आश्चर्य ये जो शिक्षा को आम देखुचे ये आध्यात्मिक पथ को सी चलुंत कम बयस रूपना बापा मा उचित शिक्षा दे आजिकल का संस्कृति आजिकल का ये सांस्कृतिक जीवन जापन शैली को आम लक्ष्य करुचे संस्कार ना आपा प्रति नैतिक भय बापा प्रति नैतिक भय आ प्रति भल पाइबा माँ प्रति स्नेह कहीं माँ हूँ आराधनार उत्स माँ हूँ आराधनार उत्स से बाबा वैकुंठनाथ कलम कले यज्ञ कुंड स्वामी यज्ञ कुंड ना जगाग्नि सती भस्म जगाग्नि सती भस्म तत्पर सती हिमालय राजा एवं मैना ओडर जन्म हेले जहाँ का ना है बड़ी श्री पार्वती माया की।
जहाँ कौन माँ भगवत कृपा मई जगदम्बे माँ पार्वती शिव पार्वती जदि आम श्रवण करवा ये तो विशाल प्रसंग ये प्रसंग टी आम श्रवण करवा ये प्रसंग टी हूँ एक विशाल प्रसंग रामचरित्र मानस गोटे गोटे प्रसंग अति विशाल प्रसंग भागवत गोटे गोटे प्रसंग अति विशाल प्रसंग आप देखु गोटे गोटे जगार शबरीकर कथ नौ दिन हुए गोटे गोटे कथार खाली गोटे चौपाई को लेकिन नौ दिन आलोचना हुए खाली गोटे चौपाई गोटे गोटे चौपाई को लेकिन नवदिनात्मक आलोचना गोटे गोटे चौपाई गोटे गोटे विषय वस्तु को लेकिन भागवत सात दिन मान आलोचना हुए अजामिल उदाहरण जो देवे सात दिन वृतासुर बद्ध हे सात दिन कृष्ण लीला हे सात दिन यु विशाल प्रसंग यु विशाल प्रसंग तो ये जो प्रसंग गुड़क आम सब देखु रामचरित मानस आज बहुत प्रसंग आम शुणा आसंता का भगवान प्रगटर सूचना शुणा कल भगवान प्रगटी आसंता का भगवान प्रगटी राम आसवे आज प्रगट हवा कथा आज वर्षा है ना वर्षा भगवान प्रगटे आगुतरा भगवान कृपा वर्षा करदे जे कृपा एपटे नहीं था कल मु आसिक पहुंची कृपा नौ आस पहुंची आज वर्षा हो गा कल आसिक पहुंची आ व्यस्त हवार ना समस्त मन अक्षय ना राम आसवे जो व्याकुल होने के राम प्रगट हे ना जदि आपकुल हे ना तो कमी हम जहा हवा जदि व्याकुल हवा ताहले देखिए निश्चित भाव में भगवान मिले आम समस्त व्याकुल गोटे कथा को नहीं हाँ सब कथा व्याकुल हूँ कि सब कथ अति सहज में मिल जाता कौन सी कथा व्याकुल हूँ भगवान को पाइबार व्याकुल हूँ भगवान को कहार मान भगवान को आम स्तुति करिवार स्तव करिवार प्रार्थना करिवार प्रेम व्याकुल हूँ आ व्याकुल बिना भगवान के पहुंच पार तो कथा थी आम कौटी ना सती जगाग्नि भस्म है इस समय सती मृत्यु संवाद सुनी शिव अनुचरण मान सब जाए कौन कले ना सती मरण मुनि मृत्यु संवाद शुणी शंकर भगवान जो सब अनुचर मान थे सब जाकर पहुंचे यज्ञ को ध्वंस यज्ञ विध्वंस लोकी भृगु रक्षा किन्न मुनीश श्री राम जय राम जय जय राम 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 समाचार सब संसार पाए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हरि को पठाए श्री राम जय राम जय जय राम भगवान अरे मो अनुचर मान को पठेली यज्ञ को विध्वंस करने भृगु आसी यज्ञ को रक्षा कले पुणी भृगु यज्ञ को रक्षा कर सारा आसी शंकर भगवान आज जन को पठेले किए से वीरभद्र वीरभद्र को पठेवा द्वारा वीरभद्र पुनर्बार यज्ञ को मध्य विध्वंस करते पुनर्बार यज्ञ को विध्वंस करदे यही समय सती शंकर भगवान को श्रीहरी को किए कहते शंकर किए कहते श्रीहरी रामचरित मानस अनुजाई
सत्य श्रीहरि को बर मागिथिले जे जुगे जुगे मो शंकर भगवान कर पत्नी हो बर मागिथिले सेति पई हिमालय कर घरे पार्वती रूप रे से शरीर धारण करले जबते उमसले गृह जाई श्री राम ते राम ते जय राम तपन सिद्धि संपत्ति तहि छाई श्री राम ते राम ते जय राम जहां तहां मन न स्वस्थ बकिने श्री राम ते राम ते जय राम उचित बासई मभूत कर दिने श्री राम ते राम ते जय राम जग रामचंद्र भगवान की जय। तो जोठी माँ भगवत कृपामय जन्म हेले सकल मुनि ऋषि मैंने सब आश्रम गले माँ पार्वती को रूपटी एत सुंदर था गुणवती रूपवती लावण्यवती सबुद्रे से पूरा उच्च स्थान अच्छा से कि मुनि ऋषि मैंने कौन कले ना से निकट सब आश्रम कले से निकट आश्रम कले से निकट आश्रम को या मुनि ऋषि मैंने से कारण से तो किसी ना ना संसारिक प्रति मोहमाय किसी ना ये संसार प्रति दुख हेले ठीक सुख हेले ठीक आम सीना चाह सुख कितु बाबाजी मैंने चाहती कौन दुख मिलू असुविधा ना दुख चाहते बोल नु दुख मिले भी कि असुविधा ना सुख मिले भी कि असुविधा ना कारण जिते दुख जिते मिले पाखे भगवान अच्छा हरि चरण जार श्रद्धा ताकू न लगे भगवादा आम जन्म हिचे मानते आम समस्त को आदिभौतिक आदिदैविक आध्यात्मिकता को मिलवाटा सुनिश्चित किंतु जी हरि को पाद पद्म श्रद्धा रखे भगवादा आसे दुख आसे किंतु पाद पद्म श्रद्धा थाए ना सीधे भगवादा टा बाधा भाया लगे ना ये कि बाधा ये दुखटा दुख भाया लगे ना मोर तो भगवान को पाद पद्म तो मोर भरोसा अच्छी मो पाखर तो भगवान अच्छे डर क्या भय क्या मो कालिया अच्छी चो बा मो डर क्या भय क्या जगन्नाथ अच्छा कालिया अच्छे मुझे डरबी क्या भय करी क्या डरवार क्या भय कर आवश्यक ना जन मत भगवान को दुख मागे कि सी आप शुणे प्रार्थना कुंती कथा आम दुईट अध्याय कर कुंती संपर्क में आप श्रवण करते अति सुंदर कथा कुंती तो भगवान कुंती जी की माँ भगवत कृपामय कुंती भगवान कृष्ण कौन मांगे शपथ महापात्र कुंती अध्याय कहूल आम कथु कौन कौन कर टपिक नहीं संपर्क कथे संपर्क ना कुंती गोटे भल गीत गोटे बाछी ना कौन ना दुख विपत्ति प्रभु दि मत कुंती मागुच कौन मागुच हे प्रभु मोर कि आवश्यक ना मोर कुंती अभिलाष ताले कौन आवश्यक अच्छे ना दुख विपत्ति प्रभु दियंतु मते सुमरुथिबी तब नाम संतते जेते दुखर आवश्यक अच्छे जेते विपदर आवश्यक अच्छे
मत सब विपद सब दुख मत प्रदान कर ठाकुर मागे कह प्रभु मत सुख दिखा आम ठाकुर पूरी जी जगन्नाथ को दर्शन करवा माग दुख दिखु माग प्रभु सुख दिंतु ना सुख देने सीना मुझे शांति रही आनंद रही आ दुख देने कौन आनंद रहीपरि नहीं ठाकुर माग मो दुख को दूर करते कि कुंती मागे मत दुख पर दुख दे चल दुख विपत्ति प्रभु दियंतु मते जीवन हे रघुनंदन तुमको सुमरी दिन जाऊ सरी नीति करूबी तुमको ज्ञान हे रघुनंदन हे वंशी वदन हे जगवंदन ए भव मोचन से रघुनंदन नारायण तो कुंती कौन मागिले देख आम समस्त सुखर आशा कितु सी मागिले दुख को कमी भगवान को स्मरण कर ठीक सेमती बाबाजी मान को दुख मूल्य आवश्यक ना सुख मूल्य आवश्यक ना सुख थे जहाँ दुख थे तो सांसारिक प्रति मोहमाय रही ये विषय रूपक बंधन से त्याग हो गले जाके जगन्नाथ दास कलम कर विषया जहार लोचन हराए आत्मबुद्धि ज्ञान विषया जंजाल विश्व दूर कर दे मन चैतन्य को तू जड़ कर दे आर विषय जंजाल आशा ना विषय जंजाल से अभिलाष रखी ना माँ भगवत कृपा मई पार्वती जो स्थान में प्रगट हेले बहुत मन ऋषि मान सब सत मान सब आश्रम कर मठ कर आम से रहा से भगवान नाम को भजन करवा साधना करवा आमर तो साधन पास आम साधना करवा सिद्धिलाभ करते ही आशा आउ कम आशा अभिलाषा आम कि आशा ना एवं मत बाबाजी मानते साधु मानी गुप्त ठाकुर साधन अच्छे कहीं जगतर कल्याण ये सारा जगतर विश्वर कल्याण के साधु सन्त मान ऋषि महर्षि मान गुप्त रही साधन करजन कर केमती जगत कल्याण जगतर कि भाव कल्याण से गुप्त भाव अच्छा प्रकाशित हो ना भक्त प्रकाशित अभक्त गुप्त जो मैंने अभक्त से गुप्त भाव अच्छा जो मैंने भक्त से प्रकाशित साधु मुनि ऋषि मान समस्त एवं पर्यटन मैं से भगवान को डाकुंत केमी जगतर कल्याण तो जिते बड़े माँ पार्वती से स्थान जन्म हेले माने से चारिपार्श्वर चतुर्पार्श्वर जी सब गच लता तरु तृण वृक्ष मान जी सब थे खुशी गले जाओ माँ पार्वती को आम पाइबा गोटे जिनस पाईगले आमको आनंद लगे ना जदि आम गोटे जिनस पाई आमको आनंद लगे भगवान को पाईगले आमको आनंद लगे आम इच्छा अच्छे ना जो जिसटा मोर इच्छा थाए जदि आमको जब मिल जाए तो आम भगवान को पाइबा धर तो आम भगवान को पेबार गोटे इच्छा अच्छे जदि भगवान मिल जाए आमको आनंद लगे ना आमर इच्छा अच्छे भगवान को पाइबार भगवान मिलीगले भगवान को प्राप्त कले भगवान को उपलब्धि कले कारण
जेते बले सरिता सब पुनित जलो बहाई खग मृग मध्यपसु के सब रहहि सहज बयुर सब जीव हे त्यागी गिरि पर सकल करहि अनुराग। तो सेठी परस्पर परस्पर अति आनंद रे वितरण कले पार्वती को जन्म हो सारिबा परे समस्त खुशी रे रहिले शांति रे रहिले समस्त आनंद रे रहिले। हटात थरे नारायण नारायण शब्द सुनला नारायण नारायण की गान करती नारद नारद कहले भगवान को चौबीस अवतार मध्य तृतीय अवतार भागवत मान प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय पढ़े भगवान को चौबीस अवतार प्रथम अवतार कमी सृष्टि ये कथ आप देखिए भागवत अति सुंदर भाव कलम तो से मानूर जो तृतीय अवतार किए सी ना नार ददाति इति नारद जिक देवर्षि नारद श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण भगवान की नारद महति बेड़ा को बादन कले महति बेड़ा को बजे की नारायण नारायण गुणगान नारायण प्रत्येक मुहूर्त नारायण 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 केवल से भगवान नाम आहति बेड़ा से गोटे बजे आसी पहुंचले पार्वती पाखे मान पुरे पहुंचले एवं पार्वती के निकट में पहुंची पार्वती को हाथ देखिले हाथ देखि सारा पार्वती के विदा कर दे हिमालय और मैना को निकट में कह कहले तुम जो कन्याटी यार विवाह संबंध हवापाई यार विवाह हवापाई जड़े मात्र योग्य किसी बोल श्री शंकर भगवान की। तो सी हूं कि ना सत्य शिव सुंदर शंकर भगवान माँ टी चिंता कले हजे कि तू तार तो घर दर कि ना मशाल भितर रही कारण देखु आम घर भितर रही अपवित्र घर भितर रही पवित्र ना मन आम अंतकरण शुद्ध हो पार कि शिव मशाणी रही पवित्र कहीं सदा परिभवगन मधिष्ठ दोहं तीर्थास्पद शिव विचित शरण प्रणतपाल भवाप्तिपूत वंदे महापुरुष महापुरुषते श्री चरणारविंद आमे
ଘର ଭିତରେ ରହିକି ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଶିବ ମଶାଣୀ ଭିତରେ ରହିକି ପବିତ୍ର କାହିଁକି? ନା ଧ୍ୟେୟଂ ସଦା ପରିଭବଗନ ମଧିଷ୍ଟ ଦୋହଂ। ଶିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଦେଇଦିଏ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ସେ ଭକ୍ତକୁ ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ମଶାଣୀ ହଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧ୍ୟେୟଂ ସଦା ପରିଭବଗନ ମଧିଷ୍ଟ ଦୋହଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଥିବେ। ପାଉଁଶ ଭଳି ହେଇଥିବେ, ବସ୍ପ ଭଳି ହେଇଥିବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ବାର ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଯୋଉ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ଆରତି ହେଉଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ଆରତି ହେଉଛି। କାରଣ ଶିବ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କଣ ସେ ସ୍ତୋତ୍ର ଭସ୍ମଲେ ପନ ଚରମ ଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ପାଳି ଆଦିଗୋଚର ଜାନକୀବର ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ସାଧିତମ ତ୍ରାହିମାଂ ଶିବ ତ୍ରାହିମାଂ ଶିବ ତ୍ରାହିମାଂ ଘର ଭାସିତମ ହେ ଶିବାପତି ପାର୍ବତୀପତି ତ୍ରାହିମାଂ ସାଧନ ହେଉଛି ଶିବ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ତନ୍ତ୍ର ସ୍ତୋତ୍ର। ଅର୍ଥ ଶିବକୁ ଏମିତି ଆବାହନ କରାଯାଏ, ତ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯାହାର ସେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାକାଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭସ୍ମ ଆରତି ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କର। ତ ସେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ହେବେ, ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ହୋଇପାରିବେ ନା? ନାରଦ କହି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ କଥାକୁ ଛପି ଛପି ମା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏକା ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ধন্য বরদাতা প্রভু ভোলা শঙ্কর ধন্য বরদাতা প্রভু ভোলা শঙ্কর ধন্য বরদাতা প্রভু ভোলা শঙ্কর রাবণ কুমার পুণে রাবণ কুমার পুণে রাবণ কুমার পুণে শ্রীরাম কুবর ধন্য বরদাতা প্রভু ভোলা শঙ্কর ଭକ୍ତି କାହାର ତୁମେ କାହାର ଭକ୍ତି କାହାର।
तो रावण को बर पुणे श्रीराम को बर धन्य बर दाता प्रभु भोला शंकर धन्य बर दाता प्रभु भोला शंकर से शंकर बड़ भक्त थे कि ना रावण रावण को बर पुणे श्रीराम को बर रावण को बर पुणे श्रीराम को बर धन्य बर दाता प्रभु ताको भोले बर दाता मिलिबे नाही धन्य बर दाता प्रभु किसी बोल से शंकर भगवान की धन्य बर दाता प्रभु भोला शंकर धन्य बर दाता प्रभु भोला शंकर धन्य बर दाता प्रभु भोला शंकर धन्य बर दाता प्रभु धन्य किसी ना बरदाता करता को ना शंकर मा पार्वती कहले जाऊ से शंकर को तपस्या करी आ तपस्या द्वारा संतुष्ट करी मैं और बाह्य जगत प्रति आसक्त ना मुवल देखिए साधन करी तपस्या करके मो जीवन को धन्य तो माँ भगवती कृपा मई पार्वती बाहर तपस्या कर केते भक्त दे केते कष्ट करी भगवान को पाइबे ताहा माने हिसाब नहीं मनुष्य रूपा केते वर्ष साधना करसला परे कठोर तपस्या कला परे भगवान को पाइबे तो केते महान महान संत माने एपर के असुर माने मध्ये एपर के असुर माने बर प्राप्त करिवा पई केते केते वर्ष सब साधना करिचंते आ केते तपस्या करचंते ध्रुव 7 वर्ष रो पिलाटी से मध्ये केते साधना करिचि ई भगवान को सहजरे संतुष्ट करी हव ना भगवान को सहजरे संतुष्ट करी हव ना भगवान को पाइबा भगवान को जानिबा बहुत कष्ट जिकु मु जब काम करछ सब तो मो काम बहुत कष्ट समस्त कहिबे समस्त पर काम समस्त को पाई कष्ट कल ता काम कष्ट ए काम कष्ट से काम सहज ना समस्त को पाई समस्त काम दिउ छी कष्ट सेमिति सबुठु बड कष्ट आ बड आनंददायक कर्म होची भगवान को डाकिया भगवान को तपस्या ई दे भगवान को तपस्या करले पण केमिति ना भक्ति र सहित शंकर भगवान को भक्ति र सहित तपस्या करले कारण एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत न फदयति मम जोगो न संख्य धर्म उद्धव न साधयति मम जोगो न संख्य धर्म उद्धव भगवान कृष्ण उद्धव कहिले न साधयति मम जोगो न संख्य धर्म उद्धव तत्पर कोन कहिले न साधयति तपस्यागो यथा भक्ति ममो हृदिता बोले भक्त वस्तुल भगवान की न साधयति मम जोगो खाली जो जोग साधना कर देले भगवान बोले देबे ता नहि न सांख्य धर्म उद्धव सांख्य आलोचना कर जे भगवान बोले देबे ता मध्य नहि न साधयति तपस्यागो खाली जो तपस्या कर देले भगवान बोले देबे ता हां शंकर भगवान को भक्ति सहित तपस्या करी माने भक्ति सहित भगवान शंकर को आवाहन भक्ति सहित कारण भक्ति अर्थ कौन भक्ति परिभाषा कौन ना भजते इति अर्थ भगवान को भजन करवा भक्ति कारण मर्त्य मंडल बहुत भक्त अच्छा मर्त्य मंडल अनेक भक्त अच्छा थे अर्जुन मन में जिज्ञासा थे अर्जुन भगवान कृष्ण को पचारे एवं सततता हे प्रभु मर्त्य मंडल अनेक भक्त से भक्त मान भर आप श्रेष्ठ भक्त भगवान कहले भगवान की जी मते श्रद्धार सहित डाक अर्जुन तुम्हें श्रद्धार सहित डाकिच
मा पार्वती मध्य शंकर भगवान को श्रद्धार सहित तपस्या कले श्रद्धा नथले कोन एकुटिया गोटे कन्याटे घर बारिक आसिक एते शास्त्र कोन शंकर भगवान को तपस्या करि थाले आसिक तपस्या कले एते कठिन तपस्या सप्तर्षि जे सप्त ऋषि अंगिरा कर्तृ वशिष्ठ मरीचि पुलह पुलस्त्य ए माने मध्य परीक्षा करे पैसे का डाकुच ना हम शंकर को डाकुच ना हे हे शंकर को डाकुच से शंकर सी तो मसानी भीतर लउची देह रे भस्म बळी होत ताको कोन त बडा को ताको तमाडा करा ए समय रे मां कहले मु ताको समर्पित होई रही छी से मसानी रे रहंतु से जहां करंतु पतके मोर सी ही दरकार सी ही दरकार आउ के मोर आवश्यक ना सप्तर्ष मध्य से परीक्षा करछु आ सप्तर्ष कर परीक्षा रे मध्य मा पार्वती उत्तीर्ण जे ना ना मोर केवल शंकर दरकार तमे आ जत्ते प्रतिबंधक सृष्टि करले मध्य मु जहां प्रति समर्पित होइ दे छी जहां बड़ सिद्धांत मु सिद्धांत केते बले ओल्लाई आसीबी ना प्रहलाद ताका पाकर सिद्धांत थिला प्रहलाद बापा को माने बापा प्रहलाद को जत्ते कष्ट देबी प्रहलाद केबे भी बापा को किछि कहबो किछि कहिछि किछि कहबो किछि न कहले मध्य ता सिद्धांत रो से बदलै प्रहलाद ताको सिद्धांत रो से बदलै नहि जे मोर भगवान को भजिम माने भगवान को भजिम भगवान को कीर्तन करिम माने भगवान को कीर्तन करबे मा पार्वती समिति सिद्धांत रे शंकर को तपस्या करि पाइबे जत्ते प्रतिबंधक आसु गोटे भल काम हेले माने प्रतिबंधक निश्चय आसिबो केते कटु कथा मध्ये आसिबो केते भल कथा मध्ये आसिबो गोटे भल काम करिया पे आसिले केते प्रतिबंधक आसिबो ता माने हिसाब नाही आ केते भल मंतव्य मध्ये आसिबो तार मध्ये हिसाब नाही कितु सुख रे दुख रे भल रे मध्ये रे जा सिद्धांत नैते से सिद्धांत को हम बाध्य करि पूर्ण करिया पे तो मां भगवत कृपा में पार्वती तपस्या करले और तपस्या करले किबले भाव रे शंकर भगवान और मां पार्वती कर विवाह होला एवं भगवान रघुनाथ किबले भाव रे प्रगट से कथा आमे आज रही तहा असंता काली समय कारण मां पार्वती कर गोटे दिन भगवान शंकर पाई गेले केते दिन तपस्या करले ना समते अंत तो आमे टिक अपेक्षा करथिबा इना मां तपस्या करंतु इना मां तपस्या आरंभ करू ताको स्टार्ट लेना तपस्या आउ तपस्या भागे हो केतन ना काली ठीक राति रे मां को तपस्या भागे हो अब काली रात्रि ठीक राम प्रगट हो हिंदी राम प्रगट बे समय लागियो ना सब समय लागियो ना सब बाबा पे तो काली ठीक राति बोल तो अपन से काम सब हो आज मध्ये राति ही नहीं छि बहुत राति है लागे सेति पाई हमें राधान ने कार्यक्रम करछे सेति पाई आपन माने मध्ये वर्षा परे केबे हमें आशा रखन थुल अपन एतिके संख्या से योगदान करियो वर्षा परे जा हो एतिके संख्या योगदान करी टिके पाटी नकरी अति सुंदर भाव रे भगवान को कथा सुनुतवार समस्त को साधुवाद धन्यवाद समस्त को प्रणाम रे बदन जनउची एवं परिशेष रे आज रो कथा को विश्राम दवा पूर्वरु आ काली रो कथा को काली दिन को जीवा पूर्वरु वर्तमान आमे टिके भगवान को दिव्य नाम संकीर्तन करिवा भगवान को दिव्य नाम संकीर्तन करी कथा को विश्राम पुने आसंता काली आ पुनरबार एई कथा पे पुने जीवा एई कथा रे पुने आमे आलोचना करबा परिशेष रे भगवान को दिव्य नाम भज केशव भज भज माधव भज भज गोविंद भज भज रे राधा बोल बस बोल भज भज रे राधा बोल बस बोल भज केशव भज भज माधव भज भज गोविंद भज भज रे राधा बोल बस बोल भज भज रे राधा बोल बस बोल भज हरी गोल कभी हरी हरी मुरारी गुमारी कृपा पाय गई हरी
समस्त कल्याण हो बोलनते एक बार विश्व कल्याण हो बोलनते एक बार विश्व कल्याण हो बोलनते एक बार आखिरी एक बार सुतरा जय जगन्नाथ थोड़ा